भाई जो है वो टेक्निक बताएंगे खाने की। हाँ ये गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करके आया और कॉल आ गया, थोड़ा सा एक पीपीटी बनाना है जो मैं कल गया था जिस प्रोडक्शन ऑफ, तो वहाँ से कॉल है, पीपीटी बनाना है अभी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यार अब थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी पिक्चर्स की, एंड देन उसके बाद पीपीटी रेडी करूंगा। थोड़ा टाइम जाएगा, अराउंड एक डेढ़ घंटा इसमें। अभी यार मेरा काम हो गया पीपीटी वाला और अब मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है यहाँ से काम के लिए, एंड अगेन गोरेगांव या अंधेरी, दो में से एक जगह जहाँ से कॉल आ जाएगा पहले, सो वहाँ पहले जाना है, एंड देन उसके बाद दूसरी जगह। यार अभी मैं रेडी हो गया और अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली आपको स्टेशन में मैं मिलूंगा। जो वैसे गोरेगांव और ये सब भी काफ़ी दूर पड़ जाता है, बट कोई नहीं, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि लोकल चलती है तो ईजी हो जाता है ट्रैवलिंग करना। एक चीज़ ज़रूर है कि पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यार स्टेशन आ गया हूँ, अब जल्दी से ट्रेन है, बस मैं ऊपर चढ़ूँ और ट्रेन है और निकला जाए जल्दी से। यार सर अभी तो अंधेरी आ गया और चलते हैं, पहले सबसे पहले जाऊँगा मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगा, एंड देन उसके बाद जाना है मीटिंग के लिए। तो मस्जिद तो बिल्कुल सामने ही आपको दिखाई दे रही है, बट थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा बाहर निकल कर। नमाज़ पढ़ा और नमाज के बाद अभी आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे मीटिंग करना है, पास में ही था सो बस, और ये सामने ही ऑफिस है, तो मैं मिलता हूँ आपसे मीटिंग के बाद, फिर आपके साथ शेयर ही करूँगा सारी बातें। तो यार मीटिंग तो हो गई है और इसके लिए मुझे पीपीटी दिखाना था कि पीपीटी में क्या उन्होंने बोला था तैयार करने के लिए प्रोडक्शन में, तो रेडी कर दिया और वो शेयर किया मैंने, तो ठीक लगी उन्हें। अभी और भी उसको कुछ चेंजेस करने हैं, जो कुछ भी चेंजेस करने हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, और चंदर की सारी बातें रूम में करते हैं। तब तक मैं यहाँ का शेयर करता हूँ आपको, जो कि मैं अंधेरी में भी यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो यहाँ से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। उधर की बातें नहीं करते, जहाँ चल रहा हूँ उस जगह की बात करता हूँ। तो अभी मैं आज़ाद नगर स्टेशन के पास हूँ, तो अभी इस जगह पर ज़्यादा रश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर और होने दीजिए, थोड़ी सी रात और होगी तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है इस जगह पर। मुझे पानीपुरी का रिवाज हर जगह पर, तो ये आपको जगह जगह पर यहाँ पर अंधेरी में तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। अच्छा हमको सिखा रहा है, ऊपर जा रही है, यहाँ से मेट्रो चलती है और मैं जा सकता हूँ इससे, लेकिन मैं इस वजह से प्रेफर नहीं करता आपके साथ ज़्यादा, मैं फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, बस मेट्रो से सीधे जो भी ऑफिस है वहाँ तक का, फिर ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा यहाँ का मार्केट और जिस तरीके से अभी दिखा रहा हूँ। जितना स्टेशन के पास पहुँच रहा हूँ उतना ही ज़्यादा भीड़ भी बढ़ रही है, और ये स्टेशन के पास का मार्केट है। सर अभी रोड क्रॉस कर रही हूँ और फिर उधर का भी मार्केट आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ हमेशा ही दिखाता हूँ यहाँ का मार्केट। हाँ
चलो यार, सो अभी तो मैं आ गया हूँ और अब चलते हैं सीधे रूम। रूम जाने से पहले नमाज पढ़ूँ एंड देन उसके बाद रूम चलूँगा। सो बाकी तो आपसे चल करके रूम में ही बात करूँगा मैं। सो यार अभी थोड़ी देर पहले ही रूम में आया और भूख लग रही, तो अब जा रहा हूँ खाना खाने। सो खाना खा करके देन फिर मिलते हैं आपसे। चलो यार, डिनर हो चुका है और अब मैं ईशा की नमाज पढ़ लेता हूँ पहले। देखो रात का अगर वक्त है तो सभी के हाथ में आपको ये एक औजार मिलेगा हमेशा। नहीं, मेरे हाथ पे नहीं था भाई। हमारे आदिल भाई जो आइसक्रीम खा रहे हैं, आदिल भाई इस आइसक्रीम के बारे में क्या कहेंगे? क्यों खा रहे हैं आप? क्यों खा रहे हैं? अभी क्या है? कौन है? सॉरी मैं गलती से बोल गया था, ये कौन है? अच्छा किस लिए खा रहे? जुकाम क्या, सर्दी क्या है, बोलना चाहेंगे? तो आप बहुत शायद कर रहे भाई जो है वो टेक्निक बताएंगे खाने की। हाँ ये एकदम बाइलिया हंस है। अब जेल में जाते जाते रह गए, किसको किसको बचा रहे हैं यार? मैं अरे वो जबरदस्ती का फोन कर रहा है यार, वो पता नहीं कौन है, आप ही का नाम ले रहा है बार बार। भाई सलाखों के पीछे आप ही होंगे। सलाखा के पीछे? ये क्या है? Yeah.
है।